बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर सऊद। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट सॉल्व कराऊंगा। तो जनाब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के पहले पार्ट की जानिब, जो कि आपके एक्सरसाइज नंबर 6.2 में पेज नंबर 168 पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर सवाल मैंने लिखा हुआ है बोर्ड में कि हाउ मेनी टर्म्स के नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने हैं एन की कीमत ऑफ विच जिसके लिए ऑफ द सीरीज मस्ट बी टेकन टू अमाउंट 66। यानी कि जो सीरीज पार्ट वन में दी जा रही है उसका जो अमाउंट होगा उसका टेकन, यानी अमाउंट का मतलब टोटल की बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है, वो कितना होना चाहिए, मस्ट बी टेकन कितना, 66 होना चाहिए। अच्छा, एक्सप्लेन द डबल आंसर, और डबल आंसर अगर आता है सॉल्व करने के बाद तो उसको आपने एक्सप्लेन भी करना है। ठीक, पहले वाले पार्ट को जरा देखिएगा, सीरीज दी हुई जा रही है अर्थमेटिक के प्रोग्रेशन भी 21 प्लस 18 प्लस 15 एंड सो ऑन, कि कितनी नंबर टर्म्स होनी चाहिए कि उनका सम जो है वो किसके बराबर आ जाए, 66 के बराबर आ जाए। और अगर दो आंसर आते हैं सॉल्व करने के बाद तो दो आंसर की एक्सप्लेनेशन भी मांग रहा है कि क्यों आ रहा है, उसको प्रूफ करके भी बात बताइए। अब देखिए बेटा, सबसे पहले मैं इस सीरीज को लिखूंगा और इसका डेटा बनाना शुरू करता हूं। तो मैं पहले एक काम करता हूं, ये लिखता हूं 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 16। यहां पर ए फर्स्ट टर्म होगी 21, आप यहां डेटा बनाइए 21। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो देखिए बेटा, बी इज इक्वल टू 18 माइनस 21, तो 18 में से माइनस 21 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 3 बचेगा। अच्छा, अब आप देखिए एस एन, उसने कहा है कि टोटल किसके बराबर होना चाहिए, 66 के बराबर, तो यहां पे लिख दिया एसएन 66। और जनाब एन नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना है, ये आपने डेटा बना लिया। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद करना ये है कि हमने सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए एन मालूम करना है। तो देखिएगा भाई, एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। तमाम इंफॉर्मेशन आपने इसमें पुट करना है, यहां देखिएगा 66 इज इक्वल टू एन मालूम करना है, एन अपॉन टू, टू ए, ए आपके पास क्या है 21 है, प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस 3 है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिएगा 66 is equal to n upon 2, बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 to the 4, 2 ones are 2, 42, ये minus 3 इस n से मल्टीप्लाई करेगा तो minus 3 n हो जाएगा, minus 3 को minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो minus minus plus 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है, मजीद इसको सिंपलीफाई करना है, तो 66 is equal to n over 2। अब देखिए 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, माइनस 3n। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम ये काम करते हैं कि हम इसमें फर्दर मोर क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तो वो काम कर रहे हैं, यहां से अगर मैं 3 को कॉमन निकाल लूं तो ये 66 इज इक्वल टू n upon 2 multiply by 3 comma निकाले इस ब्रैकेट से, 15 3 जा 45 होता है तो 15 हो गया, माइनस का n बचेगा। अब देखिए 3 यहां पे multiply कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि चले मैं यहां तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे के रिमूव करके इसको सिंपलीफाई करता हूं। मैं क्वेश्चन को रिमूव कर रहा हूं,
जरा देखिएगा, ये थ्री जो है, ये टू पहले यहाँ पे डिवाइड करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, और थ्री मल्टीप्लाई करे तो डिवाइड करा दीजिए। तो यानी कि यहाँ पे काम कर रहा हूं मैं 66 मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइड बाय थ्री इज इक्वल टू, यहां पे बचा एन और 15 माइनस एन। अच्छा अब देखिए भाई, थ्री बचा थ्री, थ्री टू सिक्स, थ्री टू सिक्स 22 बचा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा इज इक्वल टू, इस एन को 15 से मल्टीप्लाई करो 15 ऑफ एन हो जाएगा, माइनस एन को एन से मल्टीप्लाई करो एन स्क्वायर हो गया बेटा। ये एन स्क्वायर नेगेटिव टर्म है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसका मतलब है कि हम एरो बनाते हैं, इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो एन स्क्वायर माइनस 15 ऑफ एन प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, अच्छा यहां पर अब 44 वन जो 44 बीच में है माइनस का 15, इसके मिडिल टर्म ब्रेक करता हूं मैं, एन स्क्वायर माइनस का 4n और माइनस का 11n प्लस 44 is equal to 0. 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया 44 आ गया, माइनस 11 और माइनस 4 माइनस का 59 हो जाएगा। अब कॉमन निकालिए भाई, n कॉमन निकाला, n माइनस 4 माइनस 11 कॉमन निकाला, n माइनस प्लस माइनस 11 4 जा 44 is equal to 0। अब n माइनस 4 और n माइनस 4 कॉमन है, इस ब्रैकेट को कॉमन निकाल लीजिए, n माइनस 4 n माइनस 11 इज इक्वल टू 0 बेटा, इधर करेंगे अब n माइनस 4 बराबर है 0 के, n माइनस 11 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 11 हो जाएगा और यहां पर n की कीमत प्लस 4 हो जाएगी। अच्छा अब यहां पर n दोनों पॉजिटिव आ गए, अब इनको वेरीफाई करना पड़ेगा और एक्सप्लेन द डबल आंसर, उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि क्या 11 टर्म का सम जो है उस सवाल में जो है वो 66 बन रहा है या नहीं बन रहा है, 4 टर्म्स का सम जो है 66 बनता है कि नहीं बनता है, तो हमें इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। अब जरा जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं एक्सप्लेन द डबल आंसर की तरफ आता हूं। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि टू explain the double answer, दोनों values के लिए मैं इसको verify करूंगा। पहले मैं लिखूंगा for n is equal to 4 के लिए। अच्छा अब n is equal to 4 के लिए जब मैं काम करूंगा तो जरा गौर से देखिए, आपको calculator का इस्तेमाल करना है। अच्छा 66 सम आना चाहिए और आपके पास जो पहली टर्म है, पहली शुरू की तीन टर्म दी हुई 21 प्लस 18 प्लस 15, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिएगा बेटा, चार टर्म आनी चाहिए, चार में से ये तीन टर्म तो पता है, चौथी टर्म मालूम करने के लिए कॉमन डिफरेंस जो हमने निकाला था वो लास्ट टर्म ऐड कर देंगे। कॉमन डिफरेंस हमने क्या निकाला था, जहां माइनस 3 आया था, जब माइनस 3 को 15 में ऐड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का 12 बन जाएगा। अब मैं ये काम करता हूं, इन चारों टर्म का सम अगर 66 आ जाता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12 तो 66 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, यानी प्रूव हो गया, यानी कि n की वैल्यू 4 बिल्कुल सही, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब इसको चेक करते हैं भाई, तो मैं क्या करूंगा, फॉर n इज इक्वल टू 11 काम करूंगा, 11 टर्म्स का सम 66 आना चाहिए, शुरू की चार टर्म तो मुझे पता चल गई, यहीं से उठा लूंगा मैं, तो मैं क्या लिखूंगा, 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12 बेटा, इसमें माइनस 3 मैं ऐड करूंगा
तो अगली टर्म मुझे एक माइनस थ्री किया तो कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का नाइन आ जाएगा। नाइन में से माइनस थ्री निकालूंगा तो प्लस सिक्स हो जाएगा, सिक्स में से माइनस थ्री निकालूंगा तो प्लस थ्री हो जाएगा, इस थ्री में प्लस करूंगा माइनस थ्री तो फिर जीरो हो जाएगा प्लस के साथ, इस जीरो में मैं माइनस थ्री ऐड करूंगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, इस माइनस थ्री में जो है माइनस थ्री ऐड करूंगा तो माइनस सिक्स हो जाएगा जनाब। अब काउंट कर लीजिए ग्यारह टर्म, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एक टर्म और आएगी, माइनस का सिक्स में माइनस थ्री ऐड किया तो माइनस का नाइन हो गया। अब हम चेक करते हैं सबको सम करके कि अगर इनका रिजल्ट जो है 66 आ रहा है तो ये वैल्यू भी सही होगी और वेरीफाई हो जाएगी। तो जरा देखते हैं, 12 21 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 12 इसके बाद प्लस का 9 प्लस 6 प्लस 3 फिर माइनस 3 फिर माइनस का 6 माइनस का 9, तो जनाब ये 66 आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसका सम 66, तो ये भी क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब है ये वैल्यू भी आपको आंसर में लिखनी पड़ेगी और इसको भी लिखेंगे हम एक्सेप्ट। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट और एक्सप्लेन द डबल द आंसर, ये आपको वहां पर इस तरीके से शो करके लाजमी दिखाना है वरना एग्जाम में आपके नंबर कटेंगे और इसको वेरीफाई करके बताना है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए और इसके साथ ही बेटा आज का हमारा जो है वीडियो लेक्चर अख्ताम पजीर होता है और इंशाल्लाह ताला मैं नए वीडियो लेक्चर्स में मैं मजीद नए सवाल आपको सॉल्व कराऊंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।